अस्सलाम वालेकुम, HNN न्यूज के साथ मैं हूं अब्दुल सत्तार। शामिल करते हैं HNN हेडलाइन। साबिक रुकने कौमी असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नबील गबोल भी नैब के रडार पर आ चुके हैं। नैब की जानिब से नबील गबोल को बुध को पेश होने के लिए कॉल अप नोटिस जारी किया गया था। सिंध यूनिवर्सिटी की जमीन के गैर कानूनी अलाटमेंट के खिलाफ केस में एहतसाम, अदालत ने नैब रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। सूबाई वजीर बराए जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मौलाना को एक मरतबा फिर अपने इत्तेहादियों से धोखा मिलेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि इलेक्शन 2023 में अवामी एतमाद के साथ दोबारा मजबूत हुकूमत कायम करेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने रेकोडिक केस में फरीक बनने का फैसला कर लिया। कराची वालों को गर्मियों में लोड शेडिंग के अजाब से बचाने के लिए विपाकी हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया। नारोवान स्पोर्ट सिटी कम्प्लेक्स रेफरेंस पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के शरीक मुलजिम वादा माफ गवाह बनने पर तैयार हो गए और कहा कि बीमारियों और इलाज की गरज से अमरीका जाना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो का बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी पर मुबारकबाद देने वालों से इजहार तशक्कुर। मुल्क भर की जामियात कब से खोली जाएंगी, फैसला हो गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क भर में जामियात जकुम फरवरी से खोलने का फैसला कर लिया और स्टेक होल्डर से तालीमी इदारे खोलने के हवाले से मुशावरत की। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने फलस्तीनियों के साथ ताल्लुकात की बहाली, फलस्तीनी पनाहगुजीनों के लिए इमदाद की तजदीद का ऐलान कर दिया।